Bus. Good morning everybody, how are you? Yes, today I teach first class subject English grammar. आज मैं आपको English grammar पढ़ाऊंगी first class को. English grammar में मैं आपको lesson number 15 one and many. One and many exercise. इसमें वन एंड मैनी सिंगुलर एंड प्लूलर. सिंगुलर एंड प्लूलर का क्या मतलब है? वन एंड मैनी का मतलब है वन मीन्स एक, मैनी मीन्स बहुत सारा. तो ऐसे ही सिंगुलर एंड प्लूलर, सिंगुलर एंड प्लूलर को क्या बोलते हैं? सिंगुलर एक चीज होती है और प्लूलर एक से ज्यादा. एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, हजार भी हो सकते, सौ भी हो सकते, पचास भी हो सकते, 50 भी हो सकते, 100 भी हो सकते, 1000 भी हो सकते हैं. एक से जब ज्यादा चीज होती है तो हम उसको प्लूलर कहते हैं. प्लूलर मींस बहुत ज्यादा चीज. इस तरह से यहां पर आपको देखो ये ए वर्ड इस बुक में बनी हुई है. ए वर्ड, ए वर्ड सिंगुलर नाउन है और प्लूलर बहुत सारा. एक के बाद दो से लेके कितना भी हो वो प्लूलर कहा जाता है. तो द बर्ड, ए बर्ड मीन्स वन बर्ड. ए बर्ड, ए माने एक होता है. ए बर्ड, ए बर्ड मीन्स एक, एक चिड़िया, ए बर्ड. और दूसरे में बहुत सारी चिड़िया बनी है, चिड़िया भी है, उनके बच्चे भी हैं. तो उसको हम क्या बोलेंगे? द बर्ड, बर्ड, द बर्ड, बर्ड मीन्स शब्द. द बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स चिड़िया. बी आई आर डी एस बर्ड्स और वर्ड होता है डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड. वर्ड मीन्स शब्द. जब शब्द में एस लग जाता है तो बहुत ज्यादा चीज बन जाती है. मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड माने एक से ज्यादा चीज. मोर माने बहुत सारी चीज. और द बर्ड, ए बर्ड, ए का मतलब है एक चिड़िया, उसका मीन्स क्या है? वन वर्ड, एक चिड़िया. ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जब हम किसी चीज को सिंगुलर से प्लूलर बनाते हैं, सिंगुलर टू प्लूलर, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लूलर मीन्स बहुत सारी चीज और सिंगुलर मीन्स एक. तो इस तरह से नीचे पे दिया है व्हेन ही नेमिंग बर्ड टेल अस अबाउट वन पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग. यह मैंने आपको नाउंस में पढ़ाया है. We says it is singular. Example is flower, doll, frog. Flower, doll, frog, bus. कुछ भी हो सकता है. Car. ये सब क्या है? Singular है. जब हम इसमें s लगा देते हैं तो bus में es लगता है, जो कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगी. सब पहले मैं वो वाले बताऊंगी जिसमें only s लगता है. s लगा के हम एक चीज से ज्यादा चीज बना देते हैं. तो जैसे इसमें दिया हुआ है नंबर वन बॉय, बॉय का क्या होगा? बॉयज. टॉय, टॉय का क्या होगा? टॉयज. केक, केक का क्या होगा? केक्स. जब हम सी ए के ई में एस लगाएंगे, सी ए के ई एस, तो क्या हो जाएगा? केक्स. क्वाइन, सी ओ आई एन एस, एस लगाया क्वाइन में, सी ओ आई एन, तो क्वाइन हुआ. लेकिन जब हमने इसमें एस लगा दिया, सी ओ आई एन एस, क्वाइंस, तो ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया. क्वाइन मीन्स वन क्वाइन, क्वाइन होता सिक्का. और बुक, वन बुक के लिए क्या हम लिखेंगे? बुक. लेकिन जब हमने एस लगा दिया, बी डबल ओ के एस कर दिया, तो ये ज्यादा बुक्स हो गई. स्टार, स्टार मीन्स एक स्टार. स्टार होते ना जो चमकते हैं रात में, तारे. और जब हमने इसमें लगा दिया एस तो स्टार्स हो गया. इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज नंबर वन है. इसमें मैंने
अभी आपको बताए एड एस आफ्टर ईच वर्ड टू मेक इट मैनी, वन हैज बीन डन फॉर यू। एड एस इसमें किसको ऐड किया, एड मींस एस को ऐड किया। ईच वर्ड है सभी वर्ड के कहां पीछे, टू मेक इट मैनी, और जब वाई है तो पीछे लगाते हैं बी ओ वाई एस वाइज इस तरह से, और मेक इट मैनी एक बॉय में एस लगाने से, एस लगाने से मैनी बन जाता है, मैनी माने बहुत सारी। अब इधर देखिए बी, यहाँ पे हम बता रहे हैं एक्सरसाइज वन, इस बुक में एक्सरसाइज वन है एड एस आफ्टर ईच वर्ड टू मेक इट मीनिंग मैनी। आपने एस को ऐड किया तो हमने इन वर्डों को, ये देखो सिंगुलर है और ये इनके प्लूरल है, तो इन वर्डों को हमने क्या बनाया सिंगुलर से प्लूरल, बी ओ वाई वाई, और बी ओ वाई वाई में एस लगाया तो वाइट, सी ओ आई एन क्वाइन, सी ओ आई एन एस क्वाइंस, क्वाइंस क्वाइन मीन्स एक सिक्का, क्वाइंस मीन्स बहुत सारे सिक्के, इसी तरह से सभी में ये है टी ओ आई टॉय, टॉय मीन्स एक किलोमीटर, जब हमने एस लगा दिया तो एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, सिर्फ एस लगाने से टी ओ आई एस ट्वाइज। तो जो एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, प्लूरल मीन्स मैनी बहुत सारे, और यहाँ पे एस नहीं है इधर वो सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स एक चीज। बुक बी डबल ओ के बुक, यहाँ पे हमने क्या लगाया बी डबल ओ के एस, केक सी ए के ई केक, सी ए के ई एस केक्स, यहाँ पे क्या लगाया एस। अब इसी तरह से ये भी सिंगुलर और प्लूरल एस, इसमें क्या है टेन एस स्टार, एस टी आर स्टार, एस टी आर एस स्टार, बी ए टी बैट, बी ए टी एस बैट, सी ए आर कार, सी ए आर एस कार, सी ए टी कैट, सी ए टी एस कैट, डी ओ जी डॉग, डी ओ जी एस डॉग, इस तरह से आपकी ये एड एस, एस को एड किया आफ्टर ईच वर्ड, ईच वर्ड के प्रत्येक शब्द के पीछे, आफ्टर मीन्स पीछे, और हमने क्या बनाया टू मेक इट मैनी, मेक माने बनाया मैनी एक से ज्यादा। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज वन हो गई, ये वन एक्सरसाइज, ये वन एक्सरसाइज का पॉइंट है, हेडिंग है जो आपको लिखना है, और ये और सभी में लेसन नंबर और जितना ब्लैकबोर्ड पर मैं लिखती हूँ सभी आपको लिखना है। अब हम यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज टू में यहाँ से इसका पॉइंट है एड ईएस टू द वर्ड टू मेक मैनी, हमने इसमें वहां एस लगाया था, इसमें हमने क्या लगाया ईएस, ईएस लगाने से क्या बन गया बहुत सारा, जैसे बॉक्स है, बॉक्स में हमने ईएस लगा दिया बी ओ एक्स ई एस, तो एक चीज से ज्यादा चीज बन गई। तो जो ये है इस साइड वाले वो जहां पे ई एस नहीं लगा है वहां पे हम सिंगुलर है, और जब ई एस लगा देते हैं तो प्लूरल है। वही बात है कि कुछ शब्दों में एस लगता है और कहीं कहीं कुछ शब्दों में, कुछ वर्ड में ई एस लगता है। इस तरह से बॉक्स बॉक्सेज, ब्रश बी आर यू एस एच ब्रश, बी आर यू एस एच ई एस ब्रशेज, ग्लास जी एल ए डबल एस ग्लास, जी एल ए डबल एस ई एस ग्लासेज, डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस वॉचेज, वॉचेज जो घड़ी पहनते हैं, वॉच मीन्स एक घड़ी, वॉचेज मीन्स बहुत सारी घड़िया, डिश डिश होती ना आप घर में खाते हैं मंचूरियन ये सारी चीजें कुछ भी एक्स वाई जेड उसको हम डिश बोलते हैं, डिशेज एक डिश या बहुत सारी डिशेज, क्लास सी एल ए डबल एस क्लास, सी एल ए डबल एस सी एस क्लासेज, बी यू एस बस, बी यू एस सी एस बसेज, नाइन नंबर ब्रांच बी आर ए एन सी एच ब्रांच, बी आर ए एन सी एच ई एस ब्रांचेज, टेन नंबर बी एन सी एच बेंच, बी ई एल सी एच ई एस, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आप देख लीजिए ध्यान से मैं पढ़ के बता रही हूँ, यहाँ बी ई एन सी एच
उपयोग किया है एक्सरसाइज टू में, उसका पॉइंट ये है यहाँ से एड इज टू द वर्ड्स टू मेक वैल्यू, हम वर्ड्स में क्या ऐड करते हैं ईएस ईच वर्ड में और क्या बनाते हैं बहुत सारा। तो ये हमने आज आपको सिंगुलर एंड प्लूरल बताया। अब हमने यहाँ पे आपको वैसे तो आपकी एक्सरसाइज में सिक्स सिक्स है लेकिन फोर फोर मैंने और करा दिए हैं, तो आप बुक में तो जो है वही करनी है आपको, ये एक्सरसाइज वन एंड एक्सरसाइज टू, लेकिन जो हमने यहाँ पे टेन टेन लिखा है ये आप अपनी नोटबुक में अच्छी अच्छी गुड राइटिंग में सुंदर सुंदर लिखेंगे और इनको लर्न भी करेंगे। और एस एल एस को बोलने का भी फर्क होता है, ई एस में जब हम बोलते हैं तो बॉक्सिज इज का प्रोनाउंसिएशन आता है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण आता है, ब्रश ब्रशिज, तो जहां पे इज का उच्चारण जैसा है इज नहीं लिखना आपको, आई एस बोलने में आता ब्रशिज, तो इस तरह से ई एस आपको ई एस लगाना होंगे, ग्लासिज इज ऐसा आपको एस भी नहीं मिलेगा, जैसे पॉइंट्स ट्वाइज ट्वाइज तो नहीं ना बोलेंगे, बोलेंगे ट्वाइज बुक्स, एस में प्रोनाउंसिएशन अलग है, जब ई एस जहां लगाते हैं वहां पे इच जैसा आता है, जैसे वॉचिज डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस वॉचिज। ये इस तरह से आज हमने आपको सिंगुलर एंड प्लूरल बताया, वन एंड मैनी, वन मीन्स एक मैनी माने बहुत सारे, ये आप अपने नोटबुक में ग्रामर की नोटबुक में करेंगे, सभी बच्चे सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के बच्चे ग्रामर की नोटबुक अलग ही बनाएंगे, उसके इंग्लिश टेक्स्ट की नोटबुक में नहीं करेंगे। ओके थैंक यू। आदित्य की मम्मी की हमारी और उसकी शादी साथी हुई थी लेकिन बच्चे उसके फिर भी मतलब लेट हुए, तो बच्चे छोटे ही हैं इसमें देख।
बहुत ही खराब हुआ रात में, वे लोग ने भेजा कर कहने की सीरियल ये तो मेरे हमारे देश में मम्मी के मामा की लड़की होती है उसकी मम्मी। अच्छा अच्छा मम्मी के मम्मी उसका पियर और मम्मी का ननिहाल एक उसके उनका पियर और मम्मी का ननिहाल तुम्हारे और राधा जी की रिश्तेदारी है। वो तो एक ही बात तो है बे उनकी जो नहीं रही उनकी मम्मी और इनकी एक ही रिश्तेदारी है। देख मैं बोल बोल पढ़ाओ है ना। अब वो हम छूते ही नहीं हमें डर लग जाता है। बन रहा वीडियो तो बन रहा है।